हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ICLM। आज का टॉपिक है वैक्सिंग। वैक्सिंग किसे कहते हैं और इससे करने से क्या आपको फायदे मिलते हैं, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में जानेंगे। तो आपको जो वैक्सिंग होता है, ये होता क्या है, वैक्सिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि वैक्सिंग जो प्रोसेस होता है वो किस लिए किया जाता है। आपकी बॉडी पे, जैसे हैंड हो गया, फुट हो गया, और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपके अनचाहे बाल होते हैं, जिनको हटाने के लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं उसे वैक्सिंग प्रक्रिया कहा जाता है। वैक्स जब भी करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो अनचाहे बाल होते हैं हाथ में पैर में, वो बाल तो हट ही जाते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे उस हिस्से में नमी मिलती है। उसके साथ आपकी जो स्किन होती है हेयर हटने के बाद मुलायम हो जाती है और साफ दिखने लगती है, जिससे कि जो वो हिस्सा होता है वो आपको गोरा दिखने लगता है। तो वैक्सिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि जब आपके हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा हेयर हो जाते हैं तो उस समय हम वैक्सिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, वैक्स कर सकते हैं। वैक्स करने से क्या है, वहाँ के बाल आप आसानी से उसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे कि हमारा जो वैक्स होता है, आप लोगों ने वैक्स कराया होगा या नहीं कराया है, तो इसके लिए जैसे सबसे पहले क्या है, जब भी हम लोग वैक्स करते हैं तो वैक्स जो होता है उसको हमें हीट करना पड़ता है। तो हीट हम कितना कर सकते हैं, तो वैक्स को हीट करने के लिए एक टेम्परेचर होता है, मतलब कि 60 से 65 डिग्री में आप गर्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो वैक्स होगा वो नॉर्मल हीट में हो जाएगा, प्लस उसके साथ साथ ये नहीं कि डायरेक्ट हम वैक्स यूज कर लेंगे, गर्म वैक्स यूज करेंगे, हमें थोड़ा सा उसे ठंडे होने देना है, उसके बाद हम उस वैक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन टेम्परेचर है वो आप 60 से 65 डिग्री में गर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, वैक्स होते हैं कितने प्रकार के हैं। तो वैसे तो वैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं, हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स। हॉट वैक्स किसे कहते हैं, हॉट वैक्स वो वैक्स होता है जिसको ठंडक के मौसम में यूज किया जाता है, और कोल्ड वैक्स जो होता है उसे हम गर्मी के दिनों में यूज कर सकते हैं। ये भी आपके मौसम टेम्परेचर के हिसाब से आप इन दोनों वैक्सों का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वैक्स कैटेगरी की बात करेंगे तो बहुत सारे वैक्सेस आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में मार्केट में आपको मिलेंगे, तो जिसमें आपको कई तरह के वैक्स हैं, तो आप इसमें से जो भी वैक्स चाहें अपने हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे कि आपका गोल्ड वैक्स है, हनी टच वैक्स, एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स, व्हाइट चॉकलेट वैक्स, बटर वैक्स, मिल्की वैक्स, कटोरी वैक्स, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के वैक्सेस उपलब्ध हैं जिसमें आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे मेथड ऑफ वैक्सिंग, वैक्सिंग करने की विधि क्या होती है। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले आपको जिस भी जगह पे वैक्स करना है उसे आपको साफ करना चाहिए। जैसे कि हाथ में करना है तो आपको हाथ को क्या करना है, साबुन से धोकर उसके बाद आप उसको साफ कर लें और सुखा लें। फिर उसके बाद क्या है कि आप वैक्स करने से पहले, जैसे अभी थ्रेडिंग में था, थ्रेडिंग होता है जब भी हम लोग तो थ्रेड बनाने चलते हैं तो हमें तो पहले टैल्कम पाउडर यूज करना होता है, उसी तरह से जब वैक्स आप यूज करते हैं तो वैक्स लगाने से पहले आपको क्या करना होता है कि पाउडर का यूज करना होता है। पाउडर लगाते हैं उसके बाद हम स्पेटुला जो होता है उससे हम हाथों पे वैक्स अप्लाई करते हैं, और वैक्स अप्लाई करने के बाद हमें वैक्स को जो निकालना होता है वो जो हमें बालों की प्रोसेसिंग होती है, मतलब हमारे जो जिस दिशा में बाल उग रहे होते हैं उसके अपोजिट दिशा में ही हमें बाल को खींचना होता है, निकालना होता है, जिससे कि जो बाल होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। जैसे कि है आपके बाल जिस भी अपर में दिशा में चले, जैसे कि आपका डाउन भी हो सकता है, जैसे डाउन है तो आपको अप की तरफ स्ट्रिप निकालना है। इसके बाद हम आएंगे स्ट्रिप जो होती है वो क्या होती है, जैसे जब आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो वैक्स अप्लाई करने के बाद आपको स्ट्रिप उस पर चिपका देना होता है। इसके बाद जैसे भी बताया था अपोजिट दिशा में निकालना होता है, तो स्ट्रिप जो होता है उसको चिपकाने के बाद आपको अपोजिट दिशा में उस स्ट्रिप को निकालना होता है, जिससे कि आपके जो बाल होते हैं वो आसानी से निकल जाता है।
और उसके बाद अगर कुछ बाल आपके बचे होते हैं तो हल्के बाल है और स्ट्रेट जगह है तो आप वहां पे धागा भी चला सकते हैं, वरना अगर आपका वैक्स से निकल गया है तो वो अच्छा है। अब हमें वैक्सिंग करते समय कौन कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, जैसे वैक्सिंग हीटर, स्ट्रिप्स, स्पेशला, पाउडर, पार्लर चेयर, एलोवेरा जेल, टोनर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो वैक्स होगा वैक्सिंग हीटर नहीं हीट होगा, उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप जो होगा, स्ट्रिप आप वैक्स लगाएंगे तो स्ट्रिप आपको चिपकाना होगा, उसके बाद ही आप वैक्स को निकाल सकते हैं। स्पेशला जो होता है, स्पेशला से आप वैक्स को अप्लाई करते हैं। पाउडर, वैक्स लगाने से पहले आप उसका यूज करेंगे। पार्लर चेयर पे आप उसको आसानी से बिठा के फिर वैक्स कर सकते हैं, और इसके बाद जब आप वैक्स कर चुकेंगे तो आप उस पर एलोवेरा जेल या फ्रूट क्रीम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वैक्स से प्रॉफिट क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है वैक्स करने से? तो वैक्स करने से क्या होता है कि आपके जिस जगह से बाल निकल गए होते हैं वहां का हिस्सा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, इसलिए वो अच्छा दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। और वैक्स करने से क्या होता है कि आपके जब जहां से वैक्स होता है जहां पर, वहां से क्या होता है जो डेड सेल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और आपको जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी सही हो जाता है, और जिस जगह पे वैक्स होता है वहां की जो स्किन होती है वो मुलायम और साफ लगने लगती है। इससे आपको कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि वैक्सिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आपका है, वैक्स करते समय हीटर में स्पेशला को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका स्पेशला होता है वो स्टील का होता है, अगर आप उसको उसमें छोड़ेंगे वो गर्म हो जाएगा और उससे फिर दिक्कत हो सकती है। दूसरा, वैक्स करते समय हाथों के पीछे के हिस्से को टाइट पकड़ना चाहिए। जैसे कि आप जिस एरिया में कर रहे होंगे अगर वहां पे थोड़ा भी लूजपन है तो आप उसको नीचे के हिस्से से टाइट कर सकते हैं, उसके बाद आप वहां पे वैक्स कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से बाल निकल जाएंगे और आपको दर्द भी नहीं होगा। अधिक गर्म वैक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा गर्म वैक्स डालेंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें वैक्स गर्म करने के बाद भी थोड़ा सा उसे ठंडा होने देना होता है, उसके बाद हम उसको टच करके महसूस करेंगे कि बहुत ज्यादा हीट तो नहीं है, उसके बाद ही हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे, जो वैक्स जब भी हम करते हैं तो स्ट्रिप्स को एक झटके में निकालना होता है, जिससे कि जो हमारे बाल होते हैं, जो रोए होते हैं, वो जड़ से आसानी से निकल जाते हैं। तो ये है कुछ सावधानियां जो कि आपको वैक्सिंग करते समय सावधानी बरतनी होती है। वैक्स करने के बाद क्या देखभाल करनी चाहिए? तो सबसे पहले वैक्स करने के बाद आपको त्वचा में थोड़ी सी झुनझुनाहट महसूस हो सकती है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वैक्स करने के बाद आपको तुरंत मिल्क लोशन या एलोवेरा जेल या टोनर का यूज करना चाहिए। वैक्सिंग करने के तुरंत बाद गर्म पानी का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप वैक्सिंग कराए हैं तो तुरंत आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना होता है, और वैक्सिंग के बाद आपको तुरंत मैनीक्योर या पेडीक्योर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सिंग के बाद क्या होता है कि आपके जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। अगर उस समय आप मैनीक्योर या पेडीक्योर कुछ भी करवाते हैं तो आपके उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज होती है, जैसे केमिकल वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जब पोर्स खुले हुए होते हैं तो उसमें आसानी से वो ऑब्जर्व हो सकते हैं और इससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आपको तुरंत मैनीक्योर या पेडीक्योर नहीं कराना चाहिए। अब हम इसके बाद आएंगे, जैसे हम लोग पार्लर में जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें घर पर रहकर और हमें वैक्सिंग करना है या घर पर वैक्स तैयार करके फिर करना है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। घर पर वैक्स बनाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आप काफ़ी घरेलू चीज़ों का यूज़ करके घर पर वैक्स तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप घर पर वैक्स तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चीनी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले चीनी लेंगे, चीनी के साथ आप इसमें शहद मिला सकते हैं और नींबू मिला सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके आप आसानी से एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको कितना वैक्स बनाना है वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको नॉर्मली 9 ग्राम के हिसाब से बनाना है तो जैसे आप 200 ग्राम चीनी ले सकते हैं एक बर्तन में। अगर आप घर पर बनाना चाह रहे हैं तो आपने 200 ग्राम चीनी लेना है, उसके बाद एक बर्तन में पानी डालना है और
चीनी डालकर उबलने के बाद उसे अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें 150 से 200 ग्राम शहद मिलाना है और उसमें नींबू भी डालना होता है, नींबू का रस भी डालना होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिलाकर उसे एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना होता है। और अगर उसमें आप खुशबू देना चाहते हैं तो उसके अंदर हम जो भी आपका कुछ सुगंधित कुछ भी आपका ऑयल हो सकता है उसे आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो वैक्स है वो प्रॉपरली तैयार हो जाता है। और वैक्स को हम बनाने के बाद क्या करते हैं, उसे कॉटन मतलब साफ कपड़े में हम उसे डालकर छान लेते हैं और उसके बाद हम उसे अलग बर्तन में किसी रख के और उसे ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको जब भी यूज़ करना चाहें तो उसे हम गर्मा कर हल्का सा गर्म करके फिर उसे हम घर पर ही वैक्स यूज कर सकते हैं। और अगर आप कटोरी वैक्स का यूज़ करते हैं तो उससे आप आसानी से ग्रो अप के लिए लाया जा सकता है। और फेस के लिए अगर यूज़ करते हैं तो आप बटर वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि घर पर वैक्स हम कैसे बना सकते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पार्लर में यूज़ करा रहे हैं तो पार्लर में तो ऑलरेडी रेडीमेड होता है, अगर आप घर पर कर सकते हैं तो घर पर भी वैक्स बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक वैक्सिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।